ओके क्वेश्चन नंबर टू, इफ टू डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, टू डाइज को हम लोग साइमल्टेनियसली रोल किया है. नाउ सी एस इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये तुम लोग को पता है एक्सरसाइज में हमने किया है. तो इसमें लास्ट कहता है 6 6, लास्ट कहता है 6 6, तो ये नंबर ऑफ एस कितने आते हैं 36, याद रखने से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे 2 1 2 2 2 2 3, लास्ट आएगा 6 6. सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट 36, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36. नाउ फर्स्ट इवेंट क्या देखो, लेट इवेंट ए इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस एटलीस्ट 10. मतलब क्या, अपर फेस के ऊपर जो भी नंबर्स है उस नंबर्स को ऐड करने के बाद उसका आंसर एटलीस्ट 10 आना चाहिए. एटलीस्ट 10 मतलब क्या, 10 से कम नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा है तो भी चलेगा, मतलब 11 12 13 14 एटसेट्रा, लेकिन लेस देन 10 अगर है तो अलाउ नहीं है. सो सी ए इज इक्वल टू 4 6 4 + 6 10, 4 + 5 9, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ओके 10 10 11 10 11 12, एटलीस्ट 10 बोला है ना, तो 10 से ज़्यादा भी चलेगा. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. Probability of A is equal to number of A upon number of S. That is 6 upon 36. 6 upon 36. 6 ones are 6 6 are. So what is probability of that event? This event is 1 upon 6. ये जो event है, A is the sum of the digits on upper face is at least 10. इसकी probability क्या है? 1 upon 6. Next event है, लेट इवेंट बी इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33. मतलब ऊपर जो भी नंबर्स है उसको ऐड करने के बाद आंसर क्या चाहिए 33. मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या है 6 6, इन दोनों को ऐड करो तो ज़रा 6 + 6 12, तो 33 आ सकता है क्या? ऐसे इसमें से कोई नंबर है, दो नंबर ढूंढो जिनको ऐड करने पर आंसर 33 आएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नल सेट एंड देयर फॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0. नल सेट मतलब क्या, उसमें एक भी पॉइंट नहीं है. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 0.4. आंसर इज 0, क्योंकि 0 अगर डिनोमेटर या न्यूमेटर में 0 है उस फ्रैक्शन का आंसर क्या आता है 0. लेट इवेंट सी इज द नंबर ऑफ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑन सेकेंड डाई. मतलब फर्स्ट डाई के ऊपर का नंबर है वो सेकेंड डाई के नंबर से बड़ा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लाइक 2 1 3 3 3 2 3 3 इक्वल हो गया, और 3 4 में क्या हो गया, सेकेंड में बड़ा आएगा ना. हम लोग को बड़े डाई के ऊपर क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, फर्स्ट डाई के ऊपर, सॉरी. सो 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, राइट? ओके, नाउ नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 15. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 15 upon 36. 15 upon 36. 3 से डिवाइड करो, 3 5 15, 3 12 36. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 5 upon 12. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 upon 12. यहाँ पे क्या है? 1 upon 6. यहाँ पे क्या है? 0. और यहाँ पे क्या है? 5 upon 12. गेट इट एवरीवन? राइट डाउन. देखो थर्ड सम क्या है, देयर आर 15 कार्ड्स, ऐसे 15 कार्ड्स इन बॉक्स में जिसके ऊपर 1 to 15 नंबर्स लिखे. कितने कार्ड्स है बॉक्स में? 15 कार्ड्स है जिसके ऊपर 1 to 15 कार्ड नंबर लिखे हुए. ओके, सो देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स. कितने टिकट्स है? 15 टिकट्स जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे नंबर्स लिखे. सो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 नंबर्स वी कैन राइट. ओके, तो 15 नंबर हमने यहाँ पे लिखे.
Now number of s is equal to what? Number of s is equal to 15, right? Event A क्या बताए? Event A be the event, sorry, let A be the event that shown an even number. Event A क्या है कि जो भी number है वो number क्या आना चाहिए? Even number आना चाहिए. So even number start करते कहाँ से? 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. These are even numbers. ये सब क्या है? Even numbers है from 1 to 15 के बीच में. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. So number of A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of A is equal to 7. Number of A is equal to what? 7. Now probability of A is equal to number of A upon number of S. Number of A upon number of S. That is 7 upon 15. क्या आएगा? 7 upon 15. Let B the event that show a number which is multiple of 5. Which is multiple of 5. Okay. So B is equal to what? 5, 10, 15. 5, 10, 15. Number of B is equal to 3. Number of B is equal to 3. Probability of B is equal to number of B upon number of S. That is 3 upon 15. 3, 1 the 3, 3, 5 the 15. Probability 1 upon 5. Okay, write down.